सरकार से युवा नेता निशांत भगत की मांग, फीस वसूली पर जारी करें जीआर, छात्रों के साथ रोके स्कूल कॉलेजों की मनमानी। सरकार द्वारा कोरोना जांच के लिए टेस्टिंग चार्ज तय करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट और मनमानी भले ही थम गई है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में छात्रों से जबरन फीस वसूली और ऑनलाइन क्लास बंद करने की मनमानी अभी भी जारी है। भाजपा के युवा नेता निशांत भगत ने आज इस मनमानी को रोकने उद्धव सरकार से विशेष अधिसूचना यानी जीआर निकालने की मांग की। नवंबर स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में छात्रों की मुश्किलें सुनने के बाद निशांत भगत ने कहा कि कौड़ियों के दाम जमीन हथियाने वाले छात्रों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जबकि सरकार फीस वसूली के लिए गाइडलाइंस जारी कर छात्रों को राहत दिला सकती है। कोरोना के संक्रमण में जो अभी राज्य की जो स्थिति है उसमें हर जगह पे स्कूल में ब्लैकमेलिंग करके फीस कलेक्शन का मामला चल रहा है। ऐसे में मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि उन्होंने फीस में इंस्टॉलमेंट से फीस भरनी चाहिए करके, लेकिन हम यहाँ पे ये डिमांड रख रहे हैं नई मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के ओर से और नई मुंबई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन के तरफ से ऐसी डिमांड रख रहे हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से और मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑनलाइन शिक्षा जो दी जा रही है उसी की फी खाली लेने का एक आदेश जारी करना चाहिए, ऐसे हमारी डिमांड है। क्योंकि आपने देखा रहेगा कि जो इंस्टॉलमेंट में फ़ी भरने के लिए वो स्कूल में ही नहीं जा रहा है तो स्कूल की फ़ीस क्यों भरे? ना स्कूल का बिल्डिंग यूज़ हो रहा है, ना बिजली यूज़ हो रही है, ना पानी यूज़ हो रहा है, ना लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, ना कैंटीन यूज़ हो रही है, किसी भी तरह का वो क्रीड़ा शैक्षणिक संकुल का जो बिल्डिंग है वो अंदर जाके उसमें पिछले 3 महीने से कुछ भी उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे में जो स्कूल 8 घंटा या 5 घंटा चलता था ऐसे में पूरी फीस क्यों भरनी है, ये सबसे पहला सवाल है। इसके लिए हम लोग ने हमारे संस्था के माध्यम से सरकार और मुंबई यूनिवर्सिटी को ये आदेश जारी करने के लिए डिमांड रखी है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा जो दी जा रही है उसमें खाली ऑनलाइन फीस की क्या होगी, उसकी मात्रा क्या रहेगी, 2 घंटा शिक्षा दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं या 3 घंटा दे रहे हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा कितनी फीस स्टूडेंट से लेना चाहिए उसके ऊपर गवर्नमेंट ने और मुंबई यूनिवर्सिटी ने सोचना चाहिए और उसके हिसाब से उन्होंने फी लागू करके वैसा एक आदेश जारी करना चाहिए। सरकार और सरकार के साथ ही साथ मुंबई यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, उन सभी व्यवस्थापना से मेरा निवेदन यही है कि इस साल ऑनलाइन शिक्षण का ऑनलाइन शिक्षा का जो भी फीस रहेगा वही खाली चार्ज करना चाहिए और वही पेरेंट्स लोगों ने भरना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है। गौरतलब है कि नवंबर के शिक्षण संस्थानों ने एजुकेशनल चैरिटी के नाम पर सिडकों से कौड़ियों के दाम जमीनें ली हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा का कारोबार चला रहे हैं। इस पर निशांत भगत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को इंसानियत के नाते फीस माफी कर देनी चाहिए और छात्रों के हित में उनकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन वे जबरन फीस वसूली और कमाई में जुटे हैं। निशांत भगत ने कहा कि सरकार स्पष्ट जिया निकाल देती है तो इससे छात्रों की मुश्किलें हल हो सकती हैं। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण में हर एक संस्था, हर एक मंडल, हर एक ट्रस्ट अपने अपने हिसाब से मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। हर समय गवर्नमेंट और प्रशासन के माध्यम से जो मदद हो रही है उसके अलावा भी आपने देखा रहेगा कि कई संस्थाओं ने मेडिकल कैंप रखे, कई संस्थाओं ने अन्न धान्य वाटप किया, कई संस्थाओं ने मरीजों को मदद की, हर तरीके से मदद हो रही है। कई जगह पे तो जैसे आपने देखा रहेगा कि लालबाग के राजा ने ये साल गणेश उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने आरोग्य उत्सव मनाया। तो ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर या नई मुंबई शहर के अंदर इतने सारे शैक्षणिक संस्था है, साथ ही साथ एजुकेशन में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे शाला स्कूल और कॉलेज है, उसमें से एक भी संस्था आगे नहीं आ रही कि ये साल हम लोग स्टूडेंट लोगों का पूरा 50% उसमें हम लोग फी पूरी की पूरी माफ़ करने वाले, ऐसा कोई भी बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी स्कूल और कॉलेजेस के ट्रस्टी यहाँ पे काम कर रहे, जिन्होंने सिडकों से पूरे एकदम साधारण रेट से जिनको प्लॉट दिया हुआ है, वो स्कूल और कॉलेजेस के जो संस्था के ओनर्स हैं उन्होंने आगे आके, मैं चाहता हूँ कि इस कोरोना संक्रमण के अंदर
जो हो सकता है वो मदद वो स्टूडेंट को करने के लिए उन्होंने सामने से आके बोलना चाहिए कि हम लोग ये साल सभी स्टूडेंट लोगों का 50% फीस हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर उनको मदद कर रहे करके ऐसा सामने से आके उन्होंने कहना चाहिए। तो ये कहाँ पे भी हो रहा नहीं है, तो ऐसे में जो संस्था समाज के लिए काम करने के लिए जो उन्होंने भूखंड लिया है, जो प्लॉट लिया हुआ है, तो अभी आके इंसानियत के नाते उन्होंने बोलना चाहिए कि हम लोग ये साल स्टूडेंट के और स्टूडेंट के परिवार का ख्याल करके हम लोग फी माफ़ कर रहे करके। बताना जरूरी है कि मुंबई स्टूडेंट फाउंडेशन छात्रों की आवाज़ बुलंद करते हुए स्कूल कॉलेजों के प्रबंधन से मुलाकात कर रहा है और छात्रों के लिए मोहलत और मदद की मांग कर रहा है ताकि छात्र अबाधित रूप से पढ़ाई कर सकें। उम्मीद की जा रही है कि उद्धव सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।